नमस्ते इंडिया। जब भी बेखुद को निखारने की बात आती है तब लोग ज़्यादातर अपने आईब्रो, अपर लिप्स और हेयर स्पा, यहाँ तक कि बॉडी स्पा पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, मगर एक हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा छूट जाता है और लोग ज़्यादातर इसको इग्नोर कर देते हैं, और वो है माथे का कालापन, यानी कि ब्लैक फॉरहेड। ज़्यादातर लोग उसको सनबर्न हो गया है ऐसा समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं और ऐसा सोच लेते हैं कि वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा सोच लेना आपके लिए गलत साबित भी हो सकता है, क्योंकि ये जो माथे का कालापन है वो दिन ब दिन घटता नहीं है बल्कि बढ़ता जाता है, और ऐसे में आपका जो स्किन टोन है वो फॉरहेड के स्किन टोन से बिल्कुल ही अलग दिखने लग जाता है और ये बहुत ही गंदा भी दिखता है। इसलिए आपको इसके बचाव के तरीके और थोड़े से इसके उपायों के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग जब सिर दर्द होता है तब अपने सर पे बाम लगा देते हैं। बाम लगाने से सिर दर्द तो ठीक हो जाता है, मगर उतना हिस्सा जो है वो काला पड़ने लग जाता है। अगर आप भी सिर दर्द होने पर अपने सर पे बाम लगाते हो तो आपको ऐसी परेशानी अक्सर झेलनी पड़ती होगी। इसलिए हमेशा अगर आप धूप में जाओगे, बाहर जाते हो, तो अपने माथे को, अपने फेस को हमेशा अच्छे से कवर करके जाना चाहिए, और तो और आप धूप में सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादातर गर्मियों में जब पसीना आता है तब आपको मुलायम कपड़ा यूज़ करना चाहिए, यानी कि आप सॉफ्ट नैपकिन यूज़ कर सकते हो, और तो और आपको अपना इंसुलिन का लेवल भी चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि उससे भी कालापन हो सकता है। वाइट बालों को फिर से ब्लैक बनाने के लिए लोग डाई का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको डाई कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ही ज़्यादातर फॉरहेड जो है वो ब्लैक हो जाती है।